भूतड़ी अमावस्या के मद्देनजर बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंचे। सोमवार से ही श्रद्धालुओं का ओंकारेश्वर आना शुरू हो गया था। तीर्थ नगरी में ढोल धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी है। बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं की वजह से ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुंचने वाला एकमात्र पुराना पुल उपयोग में लिया जा रहा है। हालांकि झूला पुल सुधार हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके उससे अभी आवागमन चालू नहीं किया गया। इसी वजह से पुराने पुल से लगातार भीड़ बढ़ रही है। नर्मदा नदी और कावेरी नदी के संगम घाट पर हजारों लोगों ने पवित्र नर्मदा नदी में स्नान किया और साथ में आए देवी देवता के इष्ट वाले बड़वे भोपे ओझा ने लोगों का इलाज नर्मदा जी में खड़े होकर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस बार मंगलवार को अमावस्या है, जिसे निमाड़ में भूतड़ी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन के लिए करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं के ओंकारेश्वर आने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आवागमन के रूट भी तय कर दिए हैं। मंगलवार को अमावस्या के दिन नए बस स्टैंड से संगम घाट की ओर जाने वाले लोगों को सीधे नए रास्ते से नवीन घाट पहुंचाया जाएगा। वहां से नए पुल से बर्फानी धाम घाट पर पहुंचकर संगम घाट पहुंचाया जाएगा। वे परिक्रमा कर वापस लौटेंगे और पुराने पुल से वापस बस स्टैंड की ओर रवाना होंगे। शाम के समय संगम घाट पर जो लोग जाएंगे उन्हें अन्नपूर्णा रोड से नवीन घाट के नए पुल बर्फानी घाट से संगम घाट जाएंगे। जो भक्त ओंकारेश्वर मंदिर जा रहे हैं वह लोग पुराने पुल से मार्केट होते हुए ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। भीड़ को देखते हुए जगह जगह बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं को रोक रोक कर छोड़ा जा रहा है। जेबी चौक पर झिकझिक बनाया गया है। कलेक्टर अनुप कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने ओंकारेश्वर क्षेत्र का दौरा कर अधीनस्थ अधिकारियों को सारी व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया और इसके लिए एक नक्शा भी बनाया गया है, जिसमें रूट तय किए गए हैं। ओंकारेश्वर में भीड़ को देखते हुए पुलिस व्यवस्था के साथ ही नगर सुरक्षा समिति के जवान भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बुधवार को गुड़ी पड़वा है और नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। देवी देवता वाले लोग अपने अस्त्र शस्त्र को नर्मदा जी में स्नान कराकर अपने निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें स्थापित करेंगे और नवरात्रि की पूजा करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी चंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। पानी, बिजली, सफाई के लिए नगर परिषद, सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग और कानून व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग तैयार है। अस्पताल में भी डॉक्टरों की विशेष व्यवस्था की गई है। ओंकारेश्वर से राकेश पुरोहित की रिपोर्ट।